ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। तो ये जो वीडियोस अगर आपने देखा हो पावर ऑफ एनसीईआरटी, 3 या 4 वीडियोस अपलोड किए गए हैं चैनल पे पावर ऑफ एनसीईआरटी जादू वीडियोस के नाम पे। सच में आपको जादू जैसा लगेगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और सीरियसली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो 70th या 71st की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का जो चेंजिंग पैटर्न है, पैटर्न जो चेंज हो रहा है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें अब अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ये आपको जब तक आप PYQ का एनालिसिस नहीं करेंगे और उसको रिलेट नहीं करेंगे कि सवाल जो है वो आते कहाँ से, उनका सोर्स कहाँ है, ठीक है। तो मैंने पिछले 3-4 वीडियोज़ में आपको दिखाया है पावर ऑफ एनसीईआरटी में कि किस तरह से साइंस के सवाल जो है वो 90-95% जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के दिए गए हैं, है ना। तो चलिए अब टाइम नहीं बर्बाद करते हुए इस वीडियो का मोटो आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो का हमारा मोटो ये है कि एनसीईआरटी की जो किताब है 8th और 9th का, है ना, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को थीम वाइज कवर कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। तो अभी इसमें हम क्लास 8 और क्लास 9 के इसके फिजिक्स के चैप्टर्स को डील करेंगे, देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि उससे कुछ सवाल किस तरह से आए हैं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर उठाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं ये फोर्स एंड फ्रिक्शन। चलिए और एकदम फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डिटेल में हम चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। भले ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर में हमें फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक सवाल देखिए बीपीएससी 68th में आया था, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, है ना। मतलब गोलकीपर जो है वो अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाता है, फॉर दैट मैटर सिर्फ गोलकीपर नहीं, क्रिकेट बॉल को भी जब कैच करते हैं तो हाथ को पीछे क्यों लेके जाते हैं। ये बीपीएससी 68th में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होता तो बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेते, है ना। और एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर कोई इशू ही नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, पुश भी होता है, पुल भी होता है, मतलब हम खींचते भी हैं और धक्का भी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये सब इसमें यही बताया गया है कि फोर्स में पुश भी होता है, यहाँ पे भी पुश हो रहा है, दोनों लड़कियाँ जो है एक दूसरे को पुश कर रही हैं ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए दोनों एक दूसरे को पुल कर रहा है, ठीक है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है, तो वो सब इन सब चीज़ों में हम समझ सकते हैं। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। फोर्स में क्या है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि आप कह सकते हैं कि मान उसका कि कितना है, जैसे 20 न्यूटन बोलते हैं तो 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मान है, ठीक। इसके अलावा फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, किस तरफ लगा रहे हैं। जैसे इसको अगर देखें तो ये अगर धक्का दे रहा है तो कोई फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए कोई भी 20 न्यूटन का फोर्स ही होगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ये भी मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया कि किस दिशा में, किधर हम धक्का दे रहे हैं, किसके तरफ ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सवाल आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ यूनिट, ठीक है। ये सवाल जो है यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए था, बट चलिए यहाँ पे है तो इसको भी देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट में हमें नापना होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है ना फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यूनिट किस में है, तो फोर्स में भी यूनिट है, प्रेशर में भी यूनिट है, ठीक है, स्ट्रेस में भी यूनिट है, स्ट्रेन में यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये सवाल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं था बट यहाँ पे आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब बस मोटा मोटी बातों को बताया गया है कि फोर्स जो है वो स्टेट भी चेंज कर सकता है, वो मोशन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बॉल है तो ये मान लीजिए कि स्टेशनरी रखा हुआ रहता, तो अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे, तो ये या तो हिलने लगेगा, पहले तो रुका रहेगा, लेकिन जब इनफ फोर्स लगा देंगे, पर्याप्त मात्रा में जब बल लग जाएगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो फोर्स ने क्या किया, इसका स्टेट भी चेंज कर दिया, मोशन भी चेंज कर दिया। मतलब स्टेट क्या चेंज कर दिया कि ये रेस्ट में था, तो रेस्ट से इसको
मोशन में लेके आ गया। ठीक है, इसके अलावा स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं कि कोई सॉलिड है, ठीक है, या मान लीजिए कि गैस है, ठीक है, गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है, है ना, वो पानी जैसा हो जाता है। जो हमारे घर के गैस सिलेंडर्स जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी होता है। तो ये कैसे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के इसको इस सिलेंडर में पैक किया जाता है, तो फोर्स जो है उसका स्टेट भी चेंज कर रहा है और मोशन भी चेंज होता है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, फोर्स का प्रकार बताया गया है कि कितने तरह का फोर्स होता है। ठीक है, तो एक फोर्स होता है जो कांटेक्ट में आके हम फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए इस बैल को आप देखें तो रस्सी इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, और बैल चल रहा है, बैल इस लकड़ी को अपने कंधे पे रखा हुआ है और इसको खींचता है, इसलिए बैलगाड़ी चलती है, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। या फिर जब हम बॉल को अपने हाथ से फेंकते हैं तो वो भी कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट कांटेक्ट में नहीं है, बट दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर एक दूसरे को धक्का भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का किधर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है इसमें, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए कि किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हम धक्का दे रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे, ठीक है, और इसलिए फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ इस पे लग रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। अब सवाल आपसे यही पूछ दिया जाएगा, दे देगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और ऑप्शन में दे देगा मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल होगा, लेकिन अगर आप अभी इसको ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में गलत हो जाए। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक तो हमने ये देख लिया मैग्नेटिक फोर्स है, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे हम कंघी को, ये छोटा सा कंघी बना देते हैं, बहुत भद्दा सा कंघी बना है, जब अपने बालों में रगड़ते हैं और कागज़ का बहुत छोटा 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 टुकड़ा रखते हैं, तो ये क्या करता है, कागज़ के टुकड़े को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब कंघी को अपने बाल में हम रगड़ते हैं ना तो इस पर चार्ज आ जाता है, ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, और जब चार्ज हो जाता है तो चार्ज के वजह से ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन, द फोर्स एक्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई इशू नहीं है, तो प्लीज़ हिंदी वाले ये ना बोलेंगे कि यार हिंदी में, आप हिंदी का PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो जो पॉइंट्स हम लोग जहाँ पे देख रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर जो ये बुक का जो ये PDF है, अगर आपके पास PDF ना हो तो कमेंट में बताएं, अपने टेलीग्राम चैनल जो कि BPSC बेसिक्स के नाम से ही है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें BPSC बेसिक्स, आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा और जो भी PDF हम लोग डिस्कस करते हैं मोटा मोटी वहाँ पे डाल देते हैं। इसके अलावा कोई PDF चाहिए सिलेबस PYQ का या जो हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, अगर आप बोलोगे कमेंट में आके तो। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फोर्स एक्जर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी जो है वो फोर्स एक्जर्ट करता है, किस पे, दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे, या हो सकता है कि अनचार्ज्ड बॉडी भी हो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी दोनों पे लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ऑप्शन में कर देते कि चार्ज्ड बॉडी सिर्फ चार्ज्ड बॉडी पे लगाता है, तो नहीं, चार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी पे भी लगा सकता है और नॉन चार्ज्ड बॉडी पे भी लगा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ के केस में क्या था कि कंघी को हमने रगड़ा था और कंघी तो चार्ज हो गया, बट ये जो कागज का टुकड़ा नीचे रखा है वो चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है। अब हो सकता है कि एक कंघी को रगड़ दीजिए और एक और कंघी को या दूसरा स्केल को रगड़ दीजिए, ठीक है, जो स्केल हम लोग यूज करते थे स्कूल में, दोनों को रगड़िए, दोनों चार्ज्ड है, अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। देखिए सन है ना, इतनी दूरी पे है और अर्थ यहाँ पे है, लेकिन सन क्या करता है, अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और अर्थ क्या करता है, सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा बल है, जो पूरा ताकत है, जो पूरा फोर्स है, वो हवा में लग रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा, बट फिर भी अगर एग्जाम में यही चीज़ पूछ दिया जाए ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे। ग्रेविटी इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक धूल का कण भी है ना, एक छोटा सा धूल का कण है, तो वो भी धरती पे, मान लीजिए कि आसमान में कहीं स्पेस में एक छोटा सा कण है, एकदम पतला सा, एकदम महीन सा, जिसका कोई वेट नहीं, 5 ग्राम का भी नहीं होगा, बट वो भी धरती को अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है और धरती भी उसे अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है। अगर आप देखें तो ये अर्थ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है और हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और हम मान लीजिए कि जंप कर गए, उछल गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, हम अर्थ को अपनी तरफ ऐसे पुल कर रहे हैं और अर्थ हमें अपनी तरफ ऐसे पुल करता है, इसलिए हम नीचे गिर जाते हैं और अर्थ हमें ऊपर आता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। ठीक है, और ग्रेविटी का अगर फॉर्मूला देखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी जो है वो कॉन्स्टेंट है और इसका वैल्यू जो है आप कमेंट में बताएंगे। M1 जो है मास है किसका, किसी का, एक का मान लीजिए इसका, आदमी का, और M2 जो है वो अर्थ का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। ठीक है, तो जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, वो एज कंपेयर टू अर्थ जो हम पे फोर्स लगाती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, और इसलिए हमें अर्थ हिलता हुआ नहीं दिखता है, बट हम डिस्प्लेस हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रेशर आ गया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या है, प्रेशर का मतलब होता है, ये फोटो से आप समझिए कि ये एक छोटा सा कील है, उसको हथौड़ी से फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हथौड़ी को डायरेक्ट मारते हैं तो भी फोर्स लगता है, ठीक है, कील मार रहे हैं, कील पे, कील एकदम पतला नुकीला सा है, तो क्या होता है, ये अंदर चला जाता है ना, यहाँ पे फोर्स लगा इस पे और ये अंदर चला गया, तो क्या होता है, अगर इसी कील के जगह हमें कोई मोटा सा कील रखते हैं, ठीक है, तो आप बताइए क्या वो आसानी से जाता, नहीं जाता, लेकिन ये आसानी से चला गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया है ना वो बड़ा है और इसका एरिया जो है वो छोटा है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत पतले से एरिया से, बहुत कम एरिया से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, और इसलिए ये कील आसानी से चला जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई चौड़ा सा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इतना दूर में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बस इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अब आप खुद कॉमन सेंस से बताइए कि फोर्स यहाँ पे इफेक्टिव होगा या यहाँ पे इफेक्टिव होगा, यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तभी हमें कोई पतली नुकीली सी चीज़ से चुभाता है उंगली में तो बहुत ज़्यादा चुभन होती है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको बहुत चौड़े ऑब्जेक्ट से चुभाया जा रहा है, एक कोई आपको पिन से चुभा रहा है और एक कोई आपको पेन से चुभा रहा है, तो ज़्यादा कौन चुभेगा, पिन ज़्यादा चुभेगा, क्यों, क्योंकि वो नुकीला होता है, नुकीला होने की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम एरिया में ही ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत कम एरिया से वो फोर्स पिन से हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होता है और हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप फोर्स इक्वल टू सॉरी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सेम फोर्स लगाइए आप लेकिन अगर एरिया कम करते जाइए, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको एग्जांपल से आप देख लीजिए, प्रेशर इक्वल टू 20 बाई मान लीजिए एरिया 10 है तो कितना आया 2, प्रेशर इक्वल टू फोर्स उतना ही रखते हैं 20 न्यूटन और एरिया को कर देते हैं 5 तो प्रेशर कितना हो गया 4, प्रेशर इक्वल टू फोर्स उतना ही रखते हैं और एरिया को कर देते हैं 2 तो अब कितना हो गया 10, तो देखिए प्रेशर यहाँ 10 हो गया, जब एरिया 2 है तो 10 है, जब एरिया 5 है तो प्रेशर 4 यूनिट है, जब एरिया 10 है तो प्रेशर 2 यूनिट है, है ना, तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ये भी बहुत सिंपल सा है बट काफ़ी काम का कॉन्सेप्ट है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर बीपीएससी 65 में पूछा गया था, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स क्या होता है न्यूटन भाई, एरिया को क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और न्यूटन को क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे न्यूटन में दिया हुआ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, मास को लिखेंगे हम क्या केजी और एक्सेलरेशन लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइड बाई कर देंगे
एरिया, फोर्स इक्वल टू मास ऑफ फोर्स का ये हो गया, हम प्रेशर का निकाल रहे हैं तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो एरिया मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो मीटर स्क्वायर हो गया तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कौन है, तो क्या फोर्स स्केलर है, क्या प्रेशर स्केलर है, क्या वेलोसिटी स्केलर है, क्या एक्सेलरेशन स्केलर है, या नन ऑफ द अबव। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर का मतलब होता है अदिश, और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। अदिश का मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं है, सिर्फ मान है, सिर्फ वैल्यू है, 20, 30, बट किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। और वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें मान भी हो और दिशा भी हो, कि 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, तो इसको वेक्टर बोलते हैं। तो आंसर इसका आप कमेंट में बताएंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, अगेन देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला है, फोर्स का क्या है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आप, 3 सवाल हैं एक पेज से आए हुए हैं। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है, ये आप मान के चलिए कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एंड नॉट थिन स्ट्रैप, एंड व्हाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, है ना। कि जो बैग हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रैप, जैसे बैग मान लीजिए कि ये बैग है, ठीक है, या चलिए इसको बना के देखते हैं, ये मान लीजिए बैग है, ठीक है, और इसमें हम बनाते हैं इसका पट्टा जो पीठ पे हम टांगते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इतना चौड़ा पट्टा इसका बनाया है, ठीक है। एक और बैग बनाते हैं, ये बैग है और इसका पट्टा बना देते हैं एकदम पतला। तो अब आप बताइए कि आपके लिए कौन सा बैग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, है ना। ऑब्वियसली ये वाला कंफर्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसका पट्टा चौड़ा है। अब यही बताना है कि क्यों ये ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों है और ये कम कंफर्टेबल क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब हम बैग टांगते हैं तो बैग हमारे पीठ पर फोर्स लगाता है, बैग हमारे पीठ पे फोर्स लगाता है, क्यों, क्योंकि बैग में कुछ वजन होगा और वजन होने की वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, mg, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जो फोर्स हम पे बैग लगा रहा है, जब एरिया स्ट्रैप का बड़ा है, ठीक है, तो वो फोर्स ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ गया है, ठीक है, तो हमें वो प्रेशर कम महसूस होता है, फोर्स सेम है बट प्रेशर कम महसूस होता है। लेकिन जब इसका एरिया कम है तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स सेम है, फोर्स तो वो जो मास ऑफ बैग है और जी एमजी, ठीक है, एमजी, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या है, मान बैग का वेट मान लेते हैं कि एम है, ठीक है, तो एम जी डिवाइडेड बाई एरिया भी इसका ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर टू क्या है, एम जी डिवाइडेड बाई अ स्मॉल एरिया। अब देख के तो पता चल रहा है ना कि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, तो इसका एरिया मान लेते हैं कि हम 10 यूनिट फिलहाल के लिए मान लेते हैं, ठीक है, और ये फोर्स मान लेते हैं 20 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, 20/10 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, 20/, इसका एरिया 10 नहीं है, इसका एरिया 2 है, ठीक है, इतना पतला है, ये कितना आ गया, 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो P1 प्रेशर है वो 2 है और यहाँ P2 प्रेशर है वो 10 है, तो इसलिए हमें ये पतला जो स्ट्रिप वाला बैग होता है वो ज़्यादा चुभता है, ज़्यादा दिक्कत देता है। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने कॉन्सेप्ट, इसको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं, और ये सवाल कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो है BPSC अब पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड देखते हैं। आप बताइए, लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, तो लिक्विड क्या सिर्फ नीचे फोर्स लगाएगा या साइड में भी फोर्स लगाता है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे छेद करके इसमें एक पाइप घुसा दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे बलून लगा दिया गया है। अगर लिक्विड अपने इस वाले, मतलब ये अगर प्रेशर नहीं लगाता, फोर्स नहीं लगाता साइड वॉल्स पे, किनारे की दीवारों पे, ठीक है, तो नहीं लगाता तो ये पानी तो इधर बह के नहीं जाता, पानी तो तभी बह के जा रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है, और ये दीवार जो है इसको रोके हुए है, लेकिन जैसे ही छेद होगा तो पानी बहना शुरू कर देगा अगर पानी इस पे फोर्स लगा रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है,
कि पानी यहाँ से बहके जा रहा है और उसका एविडेंस क्या है कि ये जो बलून हमने लगाया था ये धीरे धीरे गुब्बारा जो है ये बड़ा होते जाएगा, पानी इसमें भरते जाएगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसका प्रेशर, इसमें जो प्रेशर होगा और पानी बॉटल का जो प्रेशर है वो दोनों बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है वो सिर्फ नीचे के तरफ प्रेशर नहीं लगाती है, अपने साइड के दीवारों में भी प्रेशर लगाती है। और ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये देखिए आपसे ये पूछ देगा कि ये कोई डैम है, ठीक है, तो इसमें पानी जमा है, ठीक है, तो अब पूछेगा कि भैया आप बताइए कि क्या ये सिर्फ नीचे के तरफ फोर्स लगा रहा है या डैम के दीवार पर भी फोर्स लगा रहा है, या घुमा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक डैम है जिसमें पानी का हाइट कम है और दूसरा डैम है जिसमें पानी का हाइट ज़्यादा है, तो बताइए दीवार पे किस में ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, किस वाले डैम में ज़्यादा फोर्स लगेगा दीवार पे। तो ऑब्वियस सा बात है जहाँ पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक डैम है जिसमें पानी जो है वो इतना ही दूर तक भरा हुआ है तो प्रेशर इतना ही दूर तक लगेगा, ठीक है, और दूसरा वाला केस क्या था जो ऊपर हमने देखा कि पूरे में पानी भरा हुआ है तो पूरे में प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ प्रेशर दीवार पे ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा। तो अगर दीवार कमज़ोर होगी तो ये दीवार टूटने का चांस ज़्यादा है और ये दीवार टूटने का चांस कम है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल सवाल आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए बॉटल पे सेम हाइट में हम छेद कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो बॉटल पे अगर हम सेम हाइट पे छेद करेंगे ना तो पानी भी सेम दूरी पे आपको गिरता हुआ दिखेगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो पूरा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो पूरा प्रेशर ऊपर से लग रहा है यहाँ पे बराबर प्रेशर है, तो जब बराबर ताकत लग रहा है तो दूरी भी बराबर जाएगा, दूरी भी बराबर जाएगा, दूरी भी बराबर जाएगा, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। जो साइंस वाले बच्चे होंगे उनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा या उनको पता भी होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आप समझ गए। लेकिन अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखिए बॉटल में पानी भरा हुआ है इतना, तो इस पानी का कुछ वजन होगा जिसके वजह से यहाँ पे कुछ फोर्स जनरेट हुआ होगा। अब मान लीजिए बराबर हाइट पे हम छेद कर देते हैं बोतल में, ठीक है, तो यहाँ तो पानी पे बराबर फोर्स लग रहा है ऊपर से, सब अगर एक पे एफ लग रहा है तो सब पे एफ लग रहा है, सब पे एफ लग रहा है, एक पे 10 न्यूटन लग रहा है तो सब पे यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा, है ना, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या जो भी उसका यूनिट है। तो जब बराबर फोर्स लगेगा तो पानी यहाँ से जब निकलेगा तो निकल के बराबर दूरी पे ही गिरेगा, है ना, क्योंकि कोई रोक टोक तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको सिंपली बस याद रखिएगा कि सेम हाइट पे छेद किया गया है तो सेम दूरी तक पानी जाएगा। वहीं पे अगर इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे छेद करते हैं अलग अलग हाइट पे, तो पानी जो है ना वो अलग अलग हाइट पे गिरता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दूर तक गिरेगा, जहाँ प्रेशर कम है वो थोड़ा नज़दीक गिरेगा, जहाँ प्रेशर बिल्कुल कम है वहाँ एकदम कम गिरेगा, और एकदम ऊपर में छेद करेंगे ना तो दूर नहीं जाएगा, ऐसे बॉटल में ही साइड में ऐसे ऐसे रिस के नीचे पानी गिरेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलिए ये हो गया। डू गैस एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है, क्या गैस एग्जर्ट करता है प्रेशर, तो बस इस बोतल के अंदर जो पानी था, पानी की जगह आप इमेजिन कर लीजिए कि गैस भर दिए तो प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा, या हम तो जानते ही है ना कि गैस का सिलेंडर कभी कभी फट जाता है, क्यों फटता है, क्योंकि उसके अंदर तो एलपीजी गैस भरा हुआ है, तो गैस प्रेशर लगा रहा है सिलेंडर पे, ठीक है, तभी तो वो फट रहा है, जब सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो गैस फट जाएगा, ठीक है, तो गैस तो प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है, और हर तरफ करता है, कोई भी पानी है देखिए कहीं पे भी है लिक्विड, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, चारों दिशाओं में करेगा, हर तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, गैस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो ये हम समझ गए, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, इसको अगर नहीं समझेंगे तो अगर ये एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए मान लीजिए कि चारों तरफ हवा भरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ हवा भरा हुआ है, लेकिन ये चारों तरफ के हवा में क्या किए हैं, हम मान लेते हैं कि एक ऐसा सिलेंड्रिकल एरिया को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, यूनिट एरिया वाला, ये पूरा हवा है, ठीक है, ये हवा क्या करता है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, या धरती है तो धरती के ऊपर लगेगा, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है उसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे कोई गाड़ी अगर खड़ी है तो गाड़ी के ऊपर प्रेशर लगेगा, यही सेम चीज़, ठीक है।
तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया पे एटमॉस्फेयर के वजह से जो हम पे प्रेशर लग रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। देखिए क्या होता है, ये एक रबड़ है चिपकाने वाला, जो ऐसे दबाते हैं तो चिपक जाता है ना, दबाने के बाद पूरा मतलब वो जैसे वैक्यूम क्रिएट करना, आप समझते हैं कि हवा निकाल दिए पूरा शरीर में से। कभी कभी बहुत चीज़ को हम ऐसे कोई ढक्कन को या रबड़ वाले ढक्कन को या कॉस्को बॉल को अगर हम आधा काट दें और उस बॉल को ऐसे करके शरीर में चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, तो ये उसी तरह का है। तो इसको देखिए उल्टा करके यहाँ पर चिपकाया गया है। अब इससे क्या हुआ है, अंदर से हवा निकल गया है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि ये चिपका क्यों, ये सरफेस में क्यों चिपका हुआ। अब तो हम इसको हाथ हटा लिए, ठीक है, ये चिपक गया है। अब इसको हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसमें ताकत लग रहा है। ताकत लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पर कोई तो फोर्स लग रहा होगा। अगर हमको ताकत लगाना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि कोई तो इसको नीचे की तरफ दबा रहा होगा, कोई तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो कौन कौन खींच रहा है, एक तो ग्रेविटी खींच रहा है, जो इसका मास होगा एन टू ग्रेविटी जी, ठीक है। लेकिन ये इतना मजबूत नहीं होता है कि इसको खींचना मुश्किल हो, बट आप जानते हैं कि जब ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों मुश्किल होता है, इसका रीज़न है इस पे जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो। आप कहेंगे वो तो पहले भी लग रहा था, जी हाँ बिल्कुल लग रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया इस कंडीशन में कि जो ये हवा इसमें भरा होता ना, ये देखिए ये ऐसे शेप में चिपकता तो कोई बात नहीं था, इसमें अंदर हवा भरा हुआ था, ठीक है। तो ये हवा ऊपर की तरफ इसको ढकेलता, ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेशर लगता, दीवार में पूरा प्रेशर लगता, प्लस ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमें खींचने में ज़्यादा ताकत नहीं लगता, बट यहाँ पर क्या हो गया है कि ये पूरी तरह से इसमें चिपक गया है, इसके अंदर का हवा जो है वो बाहर निकल चुका है और यहाँ क्रिएट हो गया है वैक्यूम। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया है तो अब क्या हो गया है कि ऊपर से सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से कोई प्रेशर ही नहीं है, तो सारा का सारा फोर्स ऊपर से आ रहा है, इसलिए हमें खींचना मुश्किल होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है वो तो आप यहाँ से इमेजिन कर ही सकते हैं कि आप सोचिए कि लगभग कई किलोमीटर तक हवा है यहाँ, और ये सारे हवा का दबाव इस पर पड़ रहा है, इतने दूर पे, इतने एरिया पे हवा का दबाव पड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका भी हमको आगे और अच्छे से फील होगा, समझ में आएगा। यहाँ इसी चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। ये देखिए मात्र 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर का एरिया का अपना सर का एरिया मान लिया गया है, ठीक है, कि इतना एरिया है 15 गुना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया गया है लगभग 2250 न्यूटन, ठीक है। 2250 न्यूटन का फोर्स लगता है, अगर आप मात्र 15 सेंटीमीटर का स्केल एक लीजिए, ठीक है, तो 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, उस पर इतना फोर्स लगता है, तो इसका मतलब तो ये है कि जो इंसान है उसको तो इस फोर्स से दब जाना चाहिए। अगर आपको 20 न्यूटन के फोर्स से कोई थप्पड़ मार देना तो आपको घुर्मी आ जाएगा, आपको चक्कर आ जाएगा। यहाँ तो देखिए 2250 न्यूटन का फोर्स सर पे लग रहा है, ठीक है, 2250 न्यूटन का फोर्स सर पे लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा सर ना टूट रहा है, ना फट रहा है, ना कुछ हमको फील हो रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है, पीछे जैसे हमने समझा था कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी हमारे बॉडी का प्रेशर लग रहा है, हमारे बॉडी का अंदर का प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, कट आउट कर देता है। जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है उतना ही अंदर से लग रहा है, और इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता है, समझे। तो ये रीज़न है कि हमें प्रेशर फील नहीं होता है। उसी एक्सपेरिमेंट को देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया। दो ये अलग अलग बॉक्स है, ठीक है, इसको चिपका दिया गया है और इसके अंदर से हवा निकाल दिया गया, यानी कि वैक्यूम क्रिएट किया गया है। उसका इतना घोड़ा इसको खींच रहा है, इतना ही इसको खींच रहा है, लेकिन ये नहीं खींचा पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम है, ठीक है। अब देखिए घोड़ा कितना फोर्स लगा लेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर इसमें इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है चारों तरफ से, कि इतना घोड़ा मिलके नहीं खींच पा रहा है, इसको नहीं खींच पाएगा, और ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अगर ये पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए ना, तो संसार का कोई भी ताकतवर आदमी, कोई भी चाहे कितना भी ताकत लगा ले, इसको नहीं खींच पाएगा। इसको खींचने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मशीन का फोर्स लगा के इसको खींचना पड़ेगा, अगर पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दिया
दिया जाए तो इसमें अगर पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए ना तो इसको आप नहीं खींच पाएंगे, इसको 50, 100, 200 आदमी मिलकर नहीं खींच पाएगा। इसको खींचने के लिए लगभग इस अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा और इसके लिए आपको मशीन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे इस तरह का सवाल और पूछे कि पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है तो क्या आप उसको खींच पाएंगे, तो नहीं खींच पाएंगे। ये सवाल पूछे कि ये क्यों चिपक जाता है, तो चिपक जाता है इसलिए नहीं बोलना है कि भाई कि चिपक गया है कि कुछ लगा हुआ होगा, पता नहीं क्यों चिपक गया। चिपक जाता है, चिपकता नहीं है, इसमें ऊपर से फोर्स लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का हवा निकल चुका है और ऊपर से फोर्स लग रहा है तो ये पूरी तरह से ज़मीन पर चिपक जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमने फोर्स और प्रेशर का देख लिया, ये फ्रिक्शन का चैप्टर देखते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है हमें, तो मोटा मोटी हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। जो भी कोई दो बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए इसको इधर हमको मूव करना है और इसको इधर मूव करना है, तो ये इधर चलना शुरू करेगा और ये इधर चलना शुरू करेगा। अब होता क्या है ना, देखिए आगे एक डायग्राम से आपको दिखाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, हमें देखने में लगता है कि सब ये चिकना सरफेस है, किताब भी मेरा चिकना है, लेकिन गौर से माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना तो सरफेस में ऐसा ऐसा ना दांत बना हुआ रहता है, दोनों में, दोनों रफ सरफेस होता है। अब होता क्या है कि ये जो रफ है ये फंसा हुआ रहता है, दोनों का दांत एक दूसरे में फंसा हुआ है, तो अगर इसको इधर खींचेंगे इसको इधर खींचेंगे तो ये रोकता है, ये ब्लॉक करता है चलने से। इसी के वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, समझे। इसी के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब होगा क्या, जब ये चलने, अभी जब रुका हुआ और इसको खींच रहे हैं तो अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको बोल देते हैं, क्योंकि रुका हुआ है तो स्टैटिक है, इसीलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दे दिए। और यही जब मूव करना शुरू कर दे, है ना, जैसे मान लीजिए रोड पे चक्का तो चल रहा है ट्रक का या गाड़ी का, तो अभी जो ये फ्रिक्शन लग रहा है इस टाइप वाला, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन या मूविंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मोशन में है, तो मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मूविंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन लगने का वजह ये है, आप कितना भी चिकना सरफेस बनाइए वो चिकना नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यही सारा बात यहाँ पे सिखाया गया है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, फोर्स है इसका मतलब फ्रिक्शन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए, अलग अलग सरफेस का फ्रिक्शन अलग अलग होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन, ठीक है। आप बताइए कि किसी बक्सा को आप धक्का दे रहे हैं तो आपको धक्का देने में जब तक ये चलना नहीं शुरू किया है और आप धक्का दे रहे हैं तब ज़्यादा ताकत लगता है, या जब ये बॉक्स चलना शुरू कर देता है और आप लगातार इसको धक्का दे रहे हैं तब ज़्यादा ताकत लगता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और गौर से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको चलाने में ज़्यादा ताकत लग रहा है और जब एक बार चलना शुरू कर देता है तो कम ताकत लगता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो शुरू में पैडल मारने में कितना ज़्यादा ताकत लगता है, पैडल पर बहुत फोर्स लगाते हैं तब चलना शुरू करता है, लेकिन साइकिल जब एक बार चलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद तो फिर आराम से हम हाथ छोड़ के हैंडल छोड़ के चलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब गाड़ी को चालू करना यानी साइकिल को चालू करना तो ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए साइकिल को चलने से कौन रोक रहा था, फ्रिक्शन का फोर्स रोक रहा था या फ्रिक्शन उसको अपोज करने का कोशिश कर रहा था। इस डब्बे को कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा यहाँ पे। तो अगर रोक रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन ही रोक रहा है। तो अगर चलने के पहले जब ये रुका हुआ है और उससे हमें धक्का दे रहे हैं और हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम जो इधर फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमको रोकने वाला है, जो हमारे फोर्स के अपोजिट में फोर्स लग रहा है, वो भी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन अभी ज़्यादा लग रहा है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन यही डब्बा जब चलना शुरू कर देगा, जब एक बार मूव करना शुरू कर देगा तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मूविंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, वो कम है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक कम होता है। अगर इसको ऐसे लिखे आराम से तो स्टैटिक इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन साइंस वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, बट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझना होगा। और आप कैसे समझ सकते हैं इसको, साइकिल वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि शुरुआत में आपको चलाने में ज़्यादा ताकत लगाने पड़ती है, लेकिन जब एक बार साइकिल चलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप आराम से साइकिल को चला पाते हैं, ठीक है। तो जब चलना शुरू नहीं किया था उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल,
रुका हुआ फ्रिक्शन, ठीक है, लेकिन जब चलना शुरू कर दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, साइकिल का एग्जांपल याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब मिल गया, यहाँ वही लिखा हुआ है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइटली स्मॉलर होता है, कौन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल आया हुआ 68 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्ट यहाँ से सवाल उठाया गया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज होता है। कैसे इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ को रगड़िए ना, तो आप देखिए आपका हाथ गर्म हो जाता है, कभी कभी आँख सेकने के लिए हम हाथ को रगड़ते हैं और आँख को सेकते हैं, तो वो गर्मी कहाँ से आता है, वो गर्मी आता है फ्रिक्शन से। या आप एक काम कीजिए, कोई ट्रक जो चल के भी रुका है, ठीक है, या कोई कार कोई गाड़ी अभी चल कर रुका है, उसके टायर को छूइए, जब उसके टायर को छूएंगे आप तो वो गर्म महसूस होगा। लेकिन कोई गाड़ी है जो बहुत देर से रुकी हुई है या जिसको आपने छुआ है, जो अभी रुकी है, ठीक है, उसी के टायर को आधे घंटे बाद आप छूइए, वो ठंडी लगेगी, ठीक है। तो जब गाड़ी चल के रुकी है तो ऐसा क्या हो गया है कि टायर गर्म हो गया, टायर इसलिए गर्म होता है क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके और रोड के बीच में, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस पे हीट जनरेट करता है, इसके अलावा और भी चीज़ें जनरेट करती है लेकिन हीट भी जनरेट करता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो हीट एनर्जी में चेंज करता है फ्रिक्शन, और वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जो हम आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिए। मैच बॉक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैच बॉक्स में क्या होता है, हम कांटी को जब मारते हैं इसमें तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होता है, और वो हीट जो है ना इस माचिस के ऊपर टिप में जो लगा रहता है, इसमें एंटीमनी होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है, वो हीट इसको गर्म करता है और ये जलना शुरू हो जाता है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि मैचबॉक्स के टिप पे जो मसाला होता है उस मसाला में क्या क्या होता है, ठीक है, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एंटीमनी होता है और फॉस्फोरस होता है और एक और कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, वो हीट की वजह से जलता है, जब उसको हीट मिलता है तब वो जलता है, और इसलिए कांटी को हम इस पर रगड़ते हैं। और बहुत बार आप देखते हैं कि मैचबॉक्स जब गीला होता है तो मार रहे हैं कांटी, मार रहे हैं कांटी, लेकिन जलता नहीं है, ठीक है, तो 10-20 बार मारने के बाद जब वो सूखता है तब वो जलता है। क्यों? क्योंकि जब इसके सरफेस पे पानी लगा हुआ है ना, तो पानी लगने की वजह से दो चीज़ होता है, एक तो ये चिकना हो गया, इसका फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है, तो कम फ्रिक्शन लग रहा है तो कम हीट जनरेट हो रहा है, और कम हीट जनरेट हो रहा है तो इसका जलने का चांस खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या है कि पानी की वजह से ठंडा भी हो जाता है, तो ये थोड़ा बहुत हीट जनरेट भी करता है, तो जलने से पहले इसके ठंडक की वजह से वो बुझ जाता है, तो ये चीज होता है। तो फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है, एनसीईआरटी से आया हुआ डायरेक्ट सवाल। तो ये था हमारा फ्रिक्शन का चैप्टर, इसको हमने समझ लिया। और ये देखिए बीपीएससी 68 में आया था, बॉल बेयरिंग क्या करता है, बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी हमने पीछे डिस्कस किया, उसके बाद देखिए ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ये ड्रैग है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया जो चक्का में लग रहा है, और स्लाइडिंग क्या होगा, अगर चक्का नहीं रहता उसी की जगह इसको खींचते तो जो फ्रिक्शन लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अगर किसी टेबल पे आप अपना हाथ रख के खिसका रहे हैं तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, बुक रख के खिसका रहे हैं उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब रुका हुआ है और धक्का दे रहे हैं, धक्का दिए जा रहा है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, तो तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जैसे ही चलना शुरू कर दिया तो अब जो फ्रिक्शन है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो हीट एनर्जी भी जनरेट करता है। तो ये 68 में सवाल आया था, इसका आंसर क्या है, सारा आंसर यहीं पे आपको दिया हुआ है भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, हम क्या चाहेंगे, फ्रिक्शन कम करना ताकि हमारा एनर्जी कम खत्म हो। फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, तो हमारा एनर्जी कम खत्म हो, मेरा चक्का कम घिसे, मेरा चप्पल कम घिसे, मेरा कम नुकसान हो। तो स्टैटिक को हम किस में चेंज करेंगे, स्टैटिक को चेंज करेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा, तो इसलिए हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही तलब बोलूँ आप इसका, और ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये देखिए यही बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बॉल बेयरिंग का डायग्राम भी दिया हुआ है, और ये सवाल आया था, तो आप समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। पीछे जो यहाँ ये जो ड्रैग की बात की जा रही है, ये देखिए ड्रैग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। पूछा है कि फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, एक तो फ्रिक्शन जो सरफेस से लग रहा है, ठीक है, जो सतह से लग रहा है,
फ्लूइड फ्रिक्शन का फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मतलब कि लिक्विड भी हो गया और गैस भी हो गया, यानी कि हवा भी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, हवा फ्रिक्शन लगाती है कि नहीं, तो लगाती है। आप बाइक बहुत तेज़ी से चलाइए तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर से हवा जो है ना रगड़ कैसे निकलेगी, ठीक है। तो हवा भी फ्रिक्शन लगाती है, हवाई जहाज़ में भी हवा से फ्रिक्शन लगता है। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाता है ना उसको बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो अगली बार ये पूछ दिया जाएगा कि ड्रैग क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने देख लिया, रोलिंग देख लिया, स्टैटिक देख लिया, ये ड्रैग के बारे में पूछ दिया जाएगा। देखिए, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगली बार जब सवाल आएगा तो वो सवाल को भी क्रॉप करके हम यहाँ पे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पे, स्पीड पे, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे और नेचर ऑफ फ्लूइड पे। तो ये भी सवाल आ सकता है कि फ्लूइड जो है वो जो ड्रैग लगाता है ना, यानी कि फ्रिक्शन लगाता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्पीड पे करता है, सिर्फ शेप पे करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड पे करता है, या सभी चीज़ पे करता है। तो देखिए, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हवाई जहाज है, आपको पता होगा कि हवाई जहाज़ का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, इसी डिज़ाइन में क्यों बनाया गया, इसको डब्बे के टाइप बना देते, बस के टाइप से बना देते, जैसे बस है, बस में भी चक्का होता है, हवाई जहाज़ में भी चक्का होता है, तो बस के जैसा बनाते और बस को ही उड़ा लेते। ऐसा ही डिज़ाइन में क्यों बनाए हैं, ऐसा डिज़ाइन में इसलिए बनाए हैं कि सामने जो ड्रैग लग रहा है, जो हवा से जो फ्रिक्शन लग रहा है ना इस पे, वो फ्रिक्शन कम से कम हो सके। तो इसलिए हवाई जहाज़ में ये देखिए पंखी बना होता है कि हवा यहाँ से आसानी से ऐसे करके निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, साइड से ऐसे निकल गया, इधर से निकल गया, ठीक है। पंछी के शरीर को आप देखिए, इसका भी डिज़ाइन इस तरह से बना होता है कि इस पे कम से कम फ्रिक्शन लगे। जब ये आगे उड़ रही है तो ताकत लगाना पड़ रहा है, अब हवा इसमें फ्रिक्शन लगा रही है पीछे की तरफ, तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ताकत उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को हम जितना कम कर देंगे ताकत उतना कम लगाना पड़ेगा। तो शरीर का बनावट इसका इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि इसको कम से कम फ्रिक्शन लगाना पड़े। कारखाना में हवाई जहाज़ हम इस तरह से बनाए हैं कि फ्रिक्शन कम से कम लगे और हम कम ताकत में ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकें, ठीक है। तो शेप पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड पे। अब इसी हवाई जहाज़ को आप देखिए, हवा में चल रहा है तो कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब मान लीजिए इसको आप पानी में उतार दीजिए, वाटर में, तब कितना फ्रिक्शन लगेगा। इसको आपको इमेजिन करना है, आप अपने हाथ को हवा में हिलाइए, अपने हाथ को हवा में हिलाइए। मान लीजिए आपका हाथ है, बहुत ख़राब हाथ बना है, लेकिन आप अपने हाथ को हवा में हिलाइए। जब अपने हाथ को आप हवा में हिलाएंगे तो आपको कुछ फ्रिक्शन महसूस होगा। अब अपने हाथ को आप तुरंत पानी में डालिए और अब हिलाइए, और तब जो फ्रिक्शन आपको महसूस हो रहा है तब महसूस हो रहा है। आप बताइए किस में ज़्यादा महसूस हो रहा है, आपको पानी में ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस होगा, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ फ्लूइड चेंज हो गया। हवा जो है वो उसका डेंसिटी बहुत कम है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा आप पे फ्रिक्शन लगा रहा है, ये कम फ्रिक्शन लगा रहा है। वही अगर अपने हाथ को हम मान लीजिए पानी की जगह हनी में डाल देंगे, मध में डाल देंगे, तब कितना फ्रिक्शन लगेगा, तब और ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए कि और आप अलकतरा में हाथ डाल दीजिए, अपना कोल तार में या अलकतरा जो बोलते हैं ना जिसको, उसमें हाथ डाल दीजिए, तो और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। आप मिट्टी का पूरा दलदल में डालें तो और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? देख रहे ना, फ्लूइड का नेचर चेंज हो रहा है, डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और एक बात, लिक्विड में, वाटर वगैरह में जो फ्रिक्शन लगता है ना, तो वो अपने एक दूसरे के सरफेस में भी फ्रिक्शन लगाता है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। खैर चलिए, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पेशेंस के साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका आपको फ़ायदा होने वाला है आने वाले एग्जाम में। चलिए अब साउंड वाला चैप्टर को फटाक से देख लेते हैं। आप बोलेंगे वीडियो लंबा है, भाई अगर सिविल सर्विसेज करना है और अगर आप 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे जहाँ इतना पेशेंस चाहिए। ये साउंड का चैप्टर है, आगे भी थोड़ा सा हम साउंड के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए साउंड निकलता क्यों है, साउंड वाइब्रेशन के वजह से निकलता है, ठीक है। इस पर जब हम इससे ये बच्चा जब इस पर चोट कर रहा है तो चोट करने की वजह क्या है, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये वाइब्रेशन जो है ना हवा को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और यही हवा हमारे कान तक आती है और वो हमको साउंड के जैसा सुनाई देता है, ठीक है। जोर से करेगा तो बहुत तेज़ी से इस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और बहुत तेज डिस्टर्बेंस हमारे कान तक आएगा तो हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देगा। बहुत धीरे धीरे करेगा तो बहुत हल्का हल्का इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बहुत हल्का हल्का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। तो साउंड क्यों क्रिएट होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड बाई, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेट करता है इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए हर जगह वाइब्रेट किया जा रहा है। साउंड में क्या होता है,
साउंड वेव को तो अगर आप बोलेंगे अभी तो खाली इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है, नहीं तो साउंड वेव को भी डिस्कस करेंगे हम लोग दूसरे नाइन्थ वाले बुक से, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह का बात किया गया है, आपको मैं ये दिखाना चाहता था। हाँ देखिए ये चीज़, ठीक है, इसको हमने बायोलॉजी वाले में भी डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में, कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, कंठ का जो हिस्सा होता है जो लड़कों में बाहर निकला हुआ रहता है बहुत किसी में, ठीक है, उसमें वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, ये पतला पतला जो आपको दिख रहा है ना ये कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, यही जब वाइब्रेट करता है तो हमारे गले से साउंड निकलता है, आवाज निकलता है। अब सोचिए कि लड़की का आवाज यानी कि फीमेल का आवाज है ना, मेल का आवाज, बच्चे का आवाज, ठीक है, या बूढ़े का आवाज, आपको अलग अलग महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? इसी लैरिंग्स के वजह से। इसका ये जो रेशा है यहाँ पे, ये जो तार जैसा है, ये जो फाइबर है, इसका मोटाई, इसका लंबाई सब में अलग अलग होता है, तो इसका वाइब्रेशन अलग होता है, वाइब्रेशन होने अलग होने के वजह से अलग फ्रिक्वेंसी, अलग एम्पलीट्यूड, अलग वेवलेंथ, ठीक है, का साउंड निकलता है, इसलिए हमें अलग अलग साउंड सुनाई देता है। किसी का आवाज़ बहुत भारी लगता है, किसी का बहुत मीठा, किसी का बहुत कान को चुभने वाला भी आवाज़ होता है, वो सब इसी के वजह से होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स के वजह से, क्वालिटी ऑफ वॉइसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अब एक बात है कि क्या साउंड आपको सिर्फ हवा में सुनाई देता है कि लिक्विड में सुनाई देगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। पानी में ये घंटी अंदर डाला, सुन रहा है, सुनाई देता है। अगर पानी में नहीं सुनाई देता तो आप सोच के देखिए ना कि मछली लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता। व्हेल मछली के बारे में तो सुना है ना कि सोनार वेव रिलीज करता है, यही वेव से तो फिर ये एक दूसरे से सुन पाता है। अगर आप जहाज़ के बारे में, जो नेवल एक्सपीडिशन होता है, इसको नीचे ज़मीन का पता करना होता है कि कौन सा मिनरल है, क्या है, नहीं है, तो जहाज़ से भी सोनार वेव छोड़ा जाता है, ये वेव यहाँ टकराता है, वापस आता है और मशीन इसको कैच करता है, साउंड को रीड करता है, यानी लिक्विड से भी साउंड जाता है, ठीक है। क्या सॉलिड से जाता है? हाँ जाता है, देखिए यहाँ पर इधर से ये ठोकेगा, यहाँ पे इसको कान में सुनाई देगा। या फेमस एक्सपेरिमेंट जो ट्रेन के पटरी पे किया जाता है कि पटरी पे आप कान लगाइएगा तो बहुत दूर से सुनाई दे देगा आपको जो आवाज़ चलता हुआ है, ठीक है, ट्रेन जो आता हुआ है। अब यहीं पे ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बताइए कि पानी में आपको ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देता है वाटर में, या आपको एयर में ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा, या आपको सॉलिड में या ट्रेन के पटरी में आपको ज़्यादा सुनाई देगा? तो देखिए ट्रेन के पटरी में हो सकता है आपको 2 किलोमीटर दूर ट्रेन का भी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। पानी में हो सकता है कि 500 मीटर दूरी तक का आवाज़ सुनाई दे, एयर में हो सकता है कि 50 मीटर की दूरी तक का आवाज़ सुनाई दे। तो एयर में आपको कम सुनाई देता है, कम दूरी तक सुनाई देता है, लेकिन पानी में ज़्यादा दूरी तक सुनाई देता है और सॉलिड में और ज़्यादा दूरी तक। क्यों? क्योंकि साउंड जो है एयर में, साउंड वेव जो है वो कम दूरी तक ट्रैवल कर पाता है, वाटर में और ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाता है, सॉलिड में और भी ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाता है। अगेन क्या बोलेंगे, इसका रीज़न क्या है? तो एयर में देखिए कम पार्टिकल है, बहुत डेंसिटी कम है इसका, ठीक है, और ए साउंड को ट्रैवल करने के लिए ये पार्टिकल्स चाहिए, ये मीडियम चाहिए, तो जब कम पार्टिकल है तो कम दूरी तक जाएगा। वाटर में ज़्यादा पार्टिकल है, खूब पार्टिकल है वाटर में, भरा हुआ है एकदम, ठीक है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए था, तो ढेर सारा पार्टिकल मिला हुआ है जो ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करेगा। और ट्रेन का पटरी तो भाई एकदम सॉलिड है, पार्टिकल ही पार्टिकल भरा हुआ है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब क्या हुआ? कोई पार्टिकल चाहिए, तो यहाँ इतना पार्टिकल है कि बहुत बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में इसको हमने समझ लिया है, ठीक है। तो ये अगर सवाल आए तो इसको छोड़िएगा मत। वेल और डॉल्फिन वही पानी में साउंड से अपना काम करते हैं। ईयर ड्रम वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यही सब एक्सपेरिमेंट बताया गया है। ये धागा में इधर से कोई बोलता है तो यहाँ कान में सुनाई देगा, ग्लास में एक में इधर छेद किया हुआ है, धागा घुसा दिया और एक ग्लास में इधर, यहाँ से बच्चा बोल रहा है, इस धागे से यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ये सब बचपन में हमने किया था। टेबल पे आप ठोकिए, दूसरे को कान लगाने बोलिए, उसको सुनाई देगा, बहुत हल्का ठोकिएगा तब भी सुनाई देगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए ये आपको दिखाना था, देखिए यहाँ पे फिर अगेन, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? देखिए डायरेक्ट यहाँ से सवाल है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, ठीक है, सिंबल इसका ये है। तो देख रहे हैं एक चैप्टर से कितना डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बोलेगा आवाज़ का श्रिलनेस वगैरह वाला, देखिए श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, 68 में आया है, यहाँ पे क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ
ऑफ पिच ऑफ अ साउंड, श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, फ्रीक्वेंसी। अब बोलेगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमने पीछे देख लिया था कि एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, एक सेकंड में यहाँ से कितना सारा वेव क्रॉस करेगा, वो होता है इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मान लीजिए एक सेकंड में आप इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ से साउंड क्रॉस कर रहा है, तो यह आवाज़ आपको कैसा सुनाई देगा, भारी सुनाई देगा या फिर ची 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 ऐसा करते हुए सुनाई देगा, हाई पिच वाला सुनाई देगा, हाई पिच वाला सुनाई देगा, भारी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साउंड एक साथ हमको सुनने के लिए आ रहा है, मेरे कान पे बहुत ज़्यादा साउंड एक साथ आ जा रहा है ना, तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो एकदम ची ची करता हुआ आवाज़ हमको सुनाई देगा, तो चिड़िया का आवाज़ हुआ या जिसका आवाज़ बहुत चहचहाहट वाला होता है उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ठीक। अब साउंड वेव को अगर हम बनाए तो साउंड वेव कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आवाज़ का डेप्थ यानी कि आवाज़ का भारीपन जो है उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आवाज़ का जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। शेर का आवाज़ जो है वो बहुत लाउड सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप देखें किसी चिड़िया का, तो उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा और फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, ऐसा एकदम फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा और वो हमें हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच पे सुनाई देगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का काम क्या होता है, लाउडनेस डिटरमाइन करता है, और फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है, श्रिलनेस डिटरमाइन करता है, चहचहाहट चिचियाना, और लाउडनेस क्या होता है, भारीपन आवाज़ का, ठीक है। तो याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड यानी लायन शेर, और फ्रीक्वेंसी यानी कि चिड़िया बर्ड, ठीक है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आया हुआ है, सवाल मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे भी देखिए ढोल में ऐसे करके दिखा रहा है, ये ढोल जो है वो धम धम करके सुनाई देता है, जबकि ये चीची चीची करके सुनाई देता है, ये दोनों वेव को बना के दिखाया, देखिए है ना, दोनों वेव को देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कम पास कर रहा है बट एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा पास कर रहा है, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है। एम्पलीट्यूड अगर बराबर भी रहेगा लेकिन नंबर ऑफ वेव्स जो ज़्यादा पास करेगा यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसका श्रिलनेस ज़्यादा होगा। तो सीटी का साउंड आपको कैसा सुनाई देता है और ड्रम का साउंड कैसा सुनाई देता है, आप खुद इमेजिन करके देख लीजिए। ड्रम का साउंड आपको धम धम सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। और विशल का साउंड आपको, उसका श्रिलनेस आपको ज़्यादा सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे एक फैक्ट आप देख लीजिए और उसको याद रखिएगा, लाउडनेस ऑफ साउंड वगैरह तो ये देख लिया हमने कि एम्पलीट्यूड क्या स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो अगर बोल देगा कि एम्पलीट्यूड को दो गुना कर दिए तो लाउडनेस कितना हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर यानी चार गुना हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को अगर हम तीन गुना कर दिए तो एम्पलीट्यूड को तीन गुना करने का मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड का क्यूब, तो लाउडनेस जो है ना वो आठ गुना बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, डेसीबल होता है, साउंड का यूनिट जो है वो डेसीबल होता है, लाउडनेस को मापने का, लाउडनेस डेसिबल में मापा जाता है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापा जाता है। तो हर्ट्ज तो पूछ चुका है, डेसिबल भी पूछ चुका है, फिर से पूछेगा। अब ये याद रखिएगा कि हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल का होता है, 60 डेसिबल का साउंड हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसको सुन पाते हैं। फैक्ट्री वगैरह में 80 डेसिबल का होता है, नॉर्मल सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल का है, तो इसको एकदम याद रखना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल, और 80 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड है तो वो बहुत फिजिकली पेनफुल होता है, हमारे कान को खराब कर सकता है, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए, बर्ड लायन आपको समझा दिया, चिल्ड्रेन अडल्ट विमेन सब समझ में आ गया, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या है ये देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चीज़ का एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक, इस बीच का आवाज़ हमें सुनाई देता है, न इससे कम सुनाई देगा न इससे ज़्यादा सुनाई देगा, ठीक है। तो ऑडिबल और इनऑडिबल का रेंज ये होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट क्या होता है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट आप फैमिलियर है, टू यूज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा में आ जाता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड है तो इसलिए हमको सुनाई नहीं देता है। तो अल्ट्रासाउंड हम हॉस्पिटल में जाकर कराते हैं, चोट वगैरह लगता है या पेट में कोई गड़बड़ी है तो, और इसका बहुत गलत यूज़ किया जाता है बच्चों के लिंग को पता करने के लिए और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के लिए,
ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या है, हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे रेंज से बहुत ज़्यादा है, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ रहा, अर्थक्वेक बराबर आता रहता है, हमें जब बहुत तेज़ी से अर्थक्वेक आता है तब पता चलता है, जो अर्थक्वेक धरती नहीं हिलाती है उसका हमें पता नहीं चलता है, बट ये भी तो साउंड क्रिएट करता है ना, तो ये हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि 20 किलोहर्ट्ज़ से कम होता है। बट आपने देखा होगा कि चिड़िया, कुत्ता, इन लोगों को ना 20 किलोहर्ट्ज़ से भी कम में भी, 20 हर्ट्ज़ से कम में भी साउंड सुनाई दे जाता है। इसलिए कभी कोई अननेचुरल फिनोमिना होने वाला होता है तो इन्हें पता चल जाता है और ये दौड़ने भागने लगते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ वाला बात। ठीक है, नॉइज़ क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड है तो उसको नॉइज़ बोलेंगे और नॉइज़ पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, हार्म्स ऑफ नॉइजेस क्या क्या होता है? तो स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में सिर्फ ये मारिएगा, हाइपरटेंशन भी साउंड के वजह से होता है। अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा कहीं हो रहा है, फैक्ट्री के बगल में अगर किसी का घर है तो हो सकता है कि उसको बीपी का प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है उसको एंजाइटी यानी डरने का प्रॉब्लम है कि छोटा छोटा बात में डरता हो, सहम जाता हो, अचानक से कोई आवाज़ आया तो सहम गया, है ना। हो सकता है कि उसको अनिद्रा, न नींद आने की बीमारी हो या सोने में उसको दिक्कत होता हो। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पर फिर और समरी में समराइज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, साउंड कैन ट्रैवल किस में? गैस ओनली, सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमने डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रैवल करता है। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा? मैन का, बेबी गर्ल का, बेबी बॉय का या वुमेन का? ठीक है, तो हमने अभी बात किया था मैन का फ्रीक्वेंसी कम होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इसलिए लाउडनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है? श्रिलनेस। ठीक है, और एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है? लाउडनेस। ठीक, तो चलिए ये साउंड का चैप्टर था, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, और कैसा लगा ये डिस्कशन आपको ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का डिस्कशन अगर और किसी सब्जेक्ट या टॉपिक या किसी चैप्टर पे चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप बताएं। और ये तो हमने बहुत ही क्रिस्प तरीके से इसको डिस्कस किया था कि कम टाइम में हो, वीडियो को 1.5 में देखिएगा, टाइम और कम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में किसी चीज़ को डिस्कस किया जाए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को आप अपना समझें, दोस्तों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वही एकमात्र हमारा मोटिवेशन है। और जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें। थैंक यू वेरी मच।